श्रद्धा वालकर जैसे हत्याकांड देश में बढ़ रहे हैं। गाजियाबाद के बाद अब राजस्थान के जयपुर में एक महिला के शव के 10 टुकड़े करके फेंक दिया गया, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर में 32 साल के शख्स ने अपनी सगी ताई की हत्या कर दी, उसके शव के 10 टुकड़े कर दिए और उसे दूर दराज के इलाकों में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अनुज शर्मा ने 11 दिसंबर को अपने जयपुर स्थित घर में अपनी 64 साल की ताई की हत्या कर दी थी। दरअसल ताई ने अनुज शर्मा को एक कार्यक्रम में दिल्ली जाने से रोका था, इसी पर नाराज होकर उसने ताई की हत्या कर दी। एनडीटीवी को पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अनुज जयपुर के विद्याधर नगर में पिता, बहन और अपनी ताई सरोज के साथ रहता था, जो अपने पति की मृत्यु के बाद उनके साथ रह रही थी। अनुज की मां की पिछले साल कोविड लहर के दौरान मौत हो गई थी। 11 दिसंबर को अनुज और सरोज घर पर अकेले थे, क्योंकि उसके पिता और बहन इंदौर गए हुए थे। अनुज दिल्ली जाना चाहता था, लेकिन सरोज ने उसे रोक लिया, जिस पर बहस हो गई। पुलिस ने कहा कि गुस्से में आकर उसने हथौड़े से ताई के सिर पर उस समय वार किया जब वह चाय बना रही थी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक फिर उसने उनके शरीर को मार्बल कटर से 10 टुकड़ों में काट दिया और उन्हें जयपुर सीकर हाईवे के किनारे दूर दराज के इलाकों में फेंक दिया। अनुज ने शरीर के अंगों को एक बाल्टी और एक सूटकेस में रखा था। अधिकारियों ने कहा कि बाद में उसने गुमशुदगी दर्ज कराई और पुलिस को गुमराह करने के लिए अन्य रिश्तेदारों के साथ उसकी तलाश शुरू कर दी। एनडीटीवी के मुताबिक जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि उसके बयान भ्रामक थे, जिसके बाद उसकी गतिविधियों पर नज़र रखी गई। सीसीटीवी फुटेज में वह सूटकेस और बाल्टी लेकर अपने घर से निकलता नजर आ रहा है। पुलिस ने कहा कि विरोध करने पर उसने अपनी ताई के सिर पर हथौड़े से वार कर उसकी हत्या करने की बात कबूल की। जयपुर के पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने एनडीटीवी को बताया कि आरोपी बुद्धिमान और शिक्षित है, वह बीटेक है और मनोरोगी प्रवृत्ति का लगता है। पुलिस को उस पर शक था, क्योंकि उसने गुमशुदगी दर्ज कराई थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में चाची को घर से बाहर निकलते हुए नहीं दिखाया गया था। वास्तव में सीसीटीवी में उसे दिखाया गया था। पुलिस को बाल्टी और सूटकेस को घर से बाहर ले जाने के निशान और किचन में भी खून के धब्बे मिले। पुलिस ने कहा कि उस व्यक्ति को अपनी 64 साल की विधवा ताई की क्रूर तरीके से हत्या करने और उसके शरीर के 10 टुकड़े करने का कोई पछतावा नहीं है। अनुज के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि मई में श्रद्धा वालकर की दिल्ली में हत्या करके उसके शव के 33 टुकड़े कर दिए गए थे और उन्हें जंगलों में फेंक दिया गया था। इस हत्या में आफ्ताब पूनावाला को गिरफ्तार किया गया था, श्रद्धा उसकी लिव इन पार्टनर थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।